हेलो बच्चों, 9th 11th की परीक्षा है, कैसी होगी? यानी कि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि 9th 11th को लेकर बोर्ड हमारी क्या कह रही है, 9th 11th को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या जो है पूरी तरीके से जो सेशंस है उससे प्रभावित क्या 10th 12th ही हुए थे, क्या उनको ही स्पेशल डिले की जरूरत थी, 9th 11th को लेकर क्या होगा, क्योंकि 9th 11th को लेकर कोई बातें नहीं कर रहा है। आखिरकार 9th 11th के भी छात्र हैं, यानी कि बात करें जो जितने जो स्टूडेंट जो हैं आपके CBSE बोर्ड के 10th 12th के नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th 11th के हैं। तो इसमें छात्रों की सबसे बड़ी जो डिमांड्स है वो 9th 11th को लेकर, सबसे पहला सवाल तो ये उठ रहा है क्या 9th 11th की परीक्षा है जो होगी ऑनलाइन होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है क्लियर कर जानना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड ने जिस तरीके से साफ किया कि परीक्षा है आपकी पेन पेपर से होगी, उसी तरीके से क्या 9th 11th की परीक्षा है भी हमारी पेन पेपर से होगी? अगर पेन पेपर से होगी तो हमारी परीक्षा कब होगी, और अगर ऑनलाइन होगी तो कब होगी, क्या होगी? यानी कि सीधा सीधा बात करें तो एग्जाम को लेकर हम 9th 11th में पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले जान लीजिए 9th 11th को लेकर अभी तक क्या फैसले आ जाने चाहिए थे, CBSE बोर्ड ने इसमें अभी तक देरी की है। CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए 9th 11th की बात करें, स्टेट बोर्ड के छात्रों की भी बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं हम CBSE बोर्ड से, उसके बाद बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड जैसे सभी देश भर के तमाम स्टेट्स पे बात करेंगे 9th 11th का पेपर कब होगा और कैसे होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सबसे पहले तो CBSE बोर्ड जिस तरीके से लास्ट ईयर 9th 11th को लेकर एक्टिव थी, उस तरीके से कुछ एक्टिवनेस जो है इस साल आपको देखने को नहीं मिल रहा। CBSE बोर्ड ने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि 9th 11th को परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। 10th 12th को लेकर जो पूरे देश भर में बातें चलती है, लेकिन 9th 11th के छात्र भी हैं जो काफी परेशान हैं एग्जाम को लेकर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, इसके अकॉर्डिंगली जो है आपके लिए बेस्ट अपडेट मैं दे सकूंगा। 9th 11th की जो बात करें, आज से 9th 11th के जो छात्रों को है जो लगातार जो आपके कमेंट्स थे उन हर एक सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिले। आप लोग कमेंट करिए कि आपका स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल है, इस बात से यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट से काफी प्रभावित पड़ता है 9th 11th का लेकर, पूरी अपडेट आपको इस पर निर्भर करता है, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए स्टेट बोर्ड जो देखिए 9th 11th को क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए स्टेट बोर्ड क्या कहते हैं। बिहार बोर्ड का कहना है कि 9th 11th की जो परीक्षाएं होगी 4 मार्च से ही स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी यूजुअली जो 9th 11th का पूरे देश भर में जो होता था अलग अलग बोर्ड्स का वो मार्च में ही होता था, लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से जो प्रभावित हुए हैं उससे 9th 11th भी हुए हैं। तो ऐसे में अगर परीक्षाओं को मई में किया जाता है 10th 12th को, तो 9th को लेकर भी CBSE बोर्ड को फैसले करने चाहिए। लास्ट ईयर CBSE बोर्ड ने क्या किया था, 9th 11th को प्रमोशन दी थी। प्रमोशन किस तरीके से दी थी, उन्हें कई सारे सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, यानी कि यूजुअली देखा गया कि एक स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट से अगर कोई रह रहा है उसमें अगर 10 से 15 मार्क्स तक का भी ग्रेस मार्क्स दिया गया था, और यही नहीं अगर वो स्टूडेंट फिर भी रह गया तो उसे दोबारा जो है उनको दोबारा रीटेस्ट के माध्यम से उनको पास होने का मौका दिया गया था। तो 9th 11th के एग्जाम को लेकर जो है 9th 11th के छात्र पूरी तरीके से प्रभाव है, यानी कि पूरी तरीके से परेशान है। आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिएगा, ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो अपडेट है उसी के अकॉर्डिंगली मैं दे सकूं। और साथ ही साथ एग्जाम को क्या आपको लिए भी 9th 11th के छात्रों को क्या CBSE बोर्ड को इस तरीके से फैसले लेने चाहिए लास्ट ईयर की तरह, इसको लेकर भी कमेंट करिएगा। डिले की जरूरत है तो इसको लेकर भी कमेंट करिएगा, मैं आपको उसी अकॉर्डिंगली जो है अपडेट्स मैं आपको दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, दोस्तों के पास शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन वीडियो को खत्म करें उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप MHT CET की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेके आया है फ्री में मैराथन क्लासेस, यानी MHT CET के सभी छात्रों के लिए अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है आपको फ्री में क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा है, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स आपको हर एक संडे आपकी जो है यहां पे अनअकैडमी पे चलती है आपकी फ्री में क्लासेस यहां पे देख सकते हैं। आपको यहां पे तमाम आपके एजुकेटर्स जो है फ्री में आपको क्लासेस लेने वाले हैं, तो इसका लिंक फ्रेंड्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यहां पे देख सकते हैं अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपके लिए मैराथन स्पेशल क्लासेस ऑन द संडे, यानी संडे की डेट याद कर लीजिए, संडे को आपकी क्लासेस जो चलने वाली है अकेडमी पे फ्री में चलने वाली है, और फ्री में आपकी तभी चलेगी जब आप सीखे हिंदुस्तान कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका कोड और आपका जो लिंक है मैंने दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे जो क्लासेस चलेगी टॉप एजुकेटर्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, यानी कि बात करें केमिस्ट्री में जो आपका टॉपिक चलने वाला है आपका चलेगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तमाम अदर सब्जेक्ट्स में भी आपकी टॉपिक चलेगी, वहीं आपके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो कई सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, कोर्स सेलेक्टर, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक सब्सक्रिप्शन आपको अनलिमिटेड में एक्सेस मिलेगा। तो फ्री क्लासेस का और आपका प्रीमियम क्लासेस का दोनों का जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोड आपकी तभी एप्लीकेबल होगी जब आप क्लासेस लेना चाहेंगे, और फ्री में क्लासेस लेने के लिए और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट पाने के लिए सीखे हिंदुस्तान का कोड इस्तेमाल करिएगा, जिसका लिंक मैंने फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां सब जाके चेक कर सकते हैं।